ओक आइलैंड उन 360 आइलैंड्स के द्वीप समूह में से एक है जो नोवा स्कोशिया का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है। ओक आइलैंड 57 एकड़ में फैला हुआ है। अगर अफवाहों की माने तो इस आइलैंड का नाम ओक आइलैंड इसलिए पड़ा क्योंकि एक समय में ये पूरा आइलैंड ओक के पेड़ों से भरा हुआ था और पहली बार देखने पर आप इसे एक साधारण आइलैंड ही मानेंगे जिसे ना कोई जानता और ना ही कोई पहचानता है। लेकिन सिर्फ पहले नजर की बात मैंने आपको बताई है और 18वीं शताब्दी में लोगों को यहाँ कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। पर ऐसा क्या हुआ था इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और जब बात चलती है खजाने की या उस धन की जो कई सालों से जमीन में दबा हुआ हो तो हर किसी के जुबान पर ओक आइलैंड का नाम जरूर आता है। और दुनिया भर के वो लोग जो खजाना ढूंढने में अपनी रुचि रखते हैं ओक आइलैंड पर जब तक वो एक बार ना जाए तब तक उन्हें एक अच्छा खिलाड़ी नहीं माना जाता। और इस आइलैंड के बारे में कई अफवाहें हैं, कई कहानियां हैं, लेकिन मैं आपको शुरुआत से इसकी कहानी बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि अगर स्किप की तो वीडियो समझ में नहीं आने वाली। यहां कुछ थ्योरीज सामने निकल कर आई कि कैसे इस आइलैंड पर पैसों की खदान खोजी गई। किसी ने कहा कि ये सब 1795 में शुरू हुआ। यहां रहने वाले छोटे छोटे बच्चे जब खेल रहे थे तो उन्होंने एक पुराना ओक का पेड़ देखा और उस पेड़ पर कुछ पुरानी पुलीज और मोटी सी रस्सी बंधी हुई थी। खेलते हुए बच्चे इसे देखकर हैरान हो गए और इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए वो इधर उधर घूमने लगे और ढूंढते हुए उनको जमीन के अंदर बनी गुफा में जाने का दरवाजा दिखा। लेकिन एक और मान्यता जो सभी मानते हैं वो ये है कि यहाँ दो व्यापारी हुआ करते थे, जॉन मैकनीस और रॉबर्ट लैथब्रिज। ये दोनों पहले एक ही जहाज पर काम किया करते थे। जॉन यहाँ खेतीबाड़ी करने लगे और उसी समय वो अपने पोते से बेहद प्यार करने लग गए जिसका नाम डैनियल था। कहते हैं कि लोग शराब पीकर हमेशा सच बोलते हैं और एक बार जब जॉन शराब का सेवन कर रहे थे तब उन्होंने अपने पोते डैनियल से एक अजीब आवाज में कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जब मैं मरूंगा तब तुम नोवा स्कोशिया के सबसे अमीर आदमी बनोगे। सुनने में मजेदार लग रहा है लेकिन असली मजेदार ये तब बना जब जॉन की मृत्यु के बाद जॉन की अलमारी से रहस्यमय नक्शे बरामद किए गए और उन नक्शों में सिर्फ ओक आइलैंड का ही जिक्र किया गया था और पूरे नक्शे पर अजीब अजीब निशान बनाए गए थे। और लड़के को वो नक्शा देखकर कुछ समझ नहीं आया और कुछ समझने के लिए उसने वो नक्शा रॉबर्ट को दे दिया। लेकिन बदकिस्मती से उसी रात रॉबर्ट के घर आग लग गई। रॉबर्ट की उसी हादसे में मौत हो गई और घर के साथ साथ वो नक्शा भी उसी में जलकर राख हो गया। लेकिन फिर भी डैनियल और उसके दोस्तों ने मिलकर आइलैंड पर मौजूद एक खदान के द्वार को ढूंढ निकाला। ये खदान बड़े बड़े पत्थरों से ढकी हुई थी और खदान के अंदर की दीवारों पर एक अलग ही भाषा में रहस्यमय रूप से कुछ लिखा गया था। जब लड़के खदान में 3 मीटर नीचे गए तो आगे जाने के रास्ते को ओक के पेड़ों की लकड़ियों से बंद किया हुआ था। लेकिन किसी तरह उन्होंने अंदर जाने का इंतजाम कर लिया लेकिन आगे जाने पर भी उनको कुछ खास नहीं मिला। उनको खुद ही नहीं पता था कि वो अब कितनी नीचे आ चुके हैं जिस कारण उन्होंने आगे जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन इसी पॉइंट पर कहानी में कुछ गड़बड़ आ गई। डैनियल अपने दोस्तों के साथ एक बार फिर उसी खदान पर आया और अब की बार वो 28 मीटर तक अंदर गया और उसको वहाँ एक पत्थर मिला जिस पर अलग ही भाषा में एक मैसेज लिखा था। और जब उस मैसेज को समझा गया तो पता चला कि उस पर 40 फीट नीचे 2 मिलियन पाउंड दबाए गए हैं, कुछ ऐसा लिखा था। और 23 अगस्त 1813 के दिन एक रहस्यमय संदूक उस खदान से निकाला गया। मेरे ख्याल से आपके अंदर भी आग लग रही होगी ये जानने की कि उस संदूक से क्या निकला। मैं भी आपको बताना चाहता हूँ लेकिन यहीं से आगे की सच्ची कहानी किसी को नहीं पता। तो उस डब्बे में क्या था ये आज तक कोई नहीं बता पाया। एक इंसान जो इस डब्बे के अंदर क्या था ये बता सकता है वो था एंथनी, डैनियल का एक दोस्त। वो लंदन का रहने वाला था और उसके बड़े बड़े बंगले आज भी कनाडा यूनाइटेड किंगडम में मौजूद है। और एंथनी के बेटे को आज तक सिर्फ एक बार ही पब्लिकली देखा गया है जब वो अपनी पत्नी के लिए जेवर खरीदता हुआ सामने आया और उस समय उसने अपनी पत्नी के लिए लगभग 14 करोड़ रुपए के गहने खरीदे। और अब शायद आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि उस डब्बे से क्या निकला होगा और बेचारे डैनियल के साथ क्या हुआ होगा। इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला, जो सच था वो मैंने आपके सामने रखा। 1848 में एक डायरी इस आइलैंड पर मिली और वो डायरी थी जो सेलर की।
ये वो इंसान था जो संदूक निकालते वक्त उसी आइलैंड पर मौजूद था, और तभी से लोग इस आइलैंड पर आने लगे। लोग खुद अपनी आंखों से उस खदान को देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से इतना कुछ दुनिया ने देखा, क्योंकि कोई इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा कि सिर्फ एक संदूक के लिए किसी ने इतनी बड़ी खदान खोदी होगी। लोग मानते हैं कि वहां अभी भी बहुत सा खजाना मौजूद है। 1856 में इस आइलैंड की कहानी दुनिया के सामने आई, और तब से लेकर आज तक जितने भी लोग यहाँ खजाना ढूंढने आए उन सब के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अगर वो बताने लग गया तो वीडियो 2 या 3 घंटे की बनेगी। यहाँ सिर्फ मैं आपको ये कहूँगा कि इसके बाद इन सभी लोगों ने इस आइलैंड को ऐसे ही छोड़ दिया। 1957 में इस खदान पर 85 मीटर की खुदाई की गई, कैमरों की सहायता से अंदर झांका गया, और अंदर उनको मानव के हाथ की हड्डियां और एक खोपड़ी का कंकाल मिला। लेकिन उन सभी को बाहर नहीं निकाला जा सका, क्योंकि मशीनों के भार से उसी समय जमीन वहां से धंस गई। और तब से लेकर आज तक दुनिया भर से लोग यहां आते हैं, अपनी कोशिशें करते हैं उस खजाने को निकालने की, जिसे आज तक कोई नहीं निकाल पाया है। इस आइलैंड पर सन 2000 में एक अजीब घटना हुई। एक आदमी जो खजाना ढूंढने आया, उसने यहाँ कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो यहाँ से भागने पर मजबूर हो गया। उसने क्या देखा ये तो आज तक कोई नहीं बता पाया, और ये बताना मुश्किल है कि अब कब इस खदान से खजाना निकाला जाएगा। ये सब तो मैंने आपको खजाना निकालने के बारे में बताया, लेकिन यहाँ खजाना आया कैसे? ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि ये खजाना मैरी एंटोनेट क्वीन का है, जो कि उस समय फ्रांस की रानी हुआ करती थी। लेकिन अब कुछ लोग मानते हैं कि ये खजाना वो था जिसे अमेरिका के स्वतंत्रता की लड़ाई में अमेरिका पहुंचाना था, जो कि शिप में ले जाते हुए चोरी हो गया था, और चोरों ने डिसाइड किया कि अब उनके रास्ते में जो भी आइलैंड पहले आएगा ये खजाना उसी में वो दफना देंगे। और कुछ यही कहानी थी ओक आइलैंड के रहस्यमय खजाने की। तो अगर आपने इस वीडियो को देखते देखते ओक आइलैंड पर जाने के लिए अपने बैग पैक करने शुरू कर दिए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप वहां नहीं जा सकते, क्योंकि अब ओक आइलैंड एक निजी संपत्ति बन चुकी है, और वहां जाने के लिए पहले आपको इसके मालिक से परमिशन लेनी होगी। दोस्तों, आपको ओक आइलैंड की सच्ची कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्या आपने भी कभी इसके बारे में कुछ सुना है उसके बारे में भी जरूर जिक्र करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।